नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। अश्विन मास में आने वाले शारदीय नवरात्र की शुरुआत शनिवार को तुला लग्न व सूर्य की संक्रांति के शुभ संयोग से होगी। इस बार तिथि क्षय नए होने से नवरात्र पूरे 9 दिन के होंगे। भक्त पूरे 9 दिन तक माता की भक्ति में तल्लीन रहकर माता के विविध स्वरूपों की साधना करेंगे। चूरू जिले के रामपुरा बैरी गाँव में एक गर्भवती महिला की मौत उपचार के दौरान हो गयी। इसके बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बयान से चिकित्सकों में आक्रोश है। इसके विरोध में शुक्रवार को बीकानेर में भी डागा पैलेस कोविड-19 सेंटर में कार्यरत चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर रोष जताया। डॉक्टर कैलाश गहलोत के नेतृत्व में वहां कार्यरत चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। शारदीय नवरात्र पर भी अन्य धार्मिक त्योहारों की तरह कोरोना का साया रहेगा। कोरोना के कारण नवरात्र में किसी भी देवी मंदिर सहित अन्य सभी स्थानों पर गरबा रास व डांडिया आदि आयोजनों पर रोक रहेगी। नवरात्र को लेकर पुलिस उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह यादव ने बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना के चलते मंदिरों में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, माता रानी के पंडाल भी नहीं सजेंगे। मंदिरों की जगह मन मंदिर व घरों में माता की 9 दिन तक पूजा होगी। कोरोना के कारण शहर के मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेंगे, लेकिन मंदिरों में पुजारी और घरों में साधक घट स्थापना करेंगे। बीकानेर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी एल मीना ने बताया कि शुक्रवार को आई रिपोर्ट में 265 नए मरीज सामने आए हैं। कांग्रेस के भावी पार्षदों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपनी अपनी दावेदारी जताई। कांग्रेस की तरफ से कायलाना रोड स्थित होटल लेक व्यू में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दावेदार उमड़ पड़े। बैठक के केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव रहे। जोधपुर से लोकसभा चुनाव हार चुके वैभव के समक्ष अपने समर्थकों के साथ पहुंचे दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन दर्शाया। भारी भीड़ के बीच कमेटी के सदस्यों ने सभी ने एक बार फिर बायोडाटा लिया और संक्षेप में उनकी बात सुन आश्वासन दिया। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से दावेदारी करने वाले भावी पार्षदों और उनके समर्थकों ने शुक्रवार को जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। दावेदारी के दौरान उन्होंने किसी तरह की कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की। अंदर प्रवेश करने को लेकर भी दरवाजे पर भीड़ लगी रही। इन दावेदारों और समर्थकों ने किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी। कई लोगों के मास्क भी गले में लटके हुए थे। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। इधर भाजपा की कमेटी ने आज दावेदारों से आवेदन लिए। जोधपुर सांसद व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शुक्रवार को सुबह ही अनेक दावेदार मिलने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत सभी से आत्मीयता से मिले और उनकी बात सुनी। जोधपुर शहर में दोनों नगर निगमों के चुनाव के लिए अभी तक नामांकन प्रक्रिया में तेजी नहीं आ पाई है। हालांकि कई प्रत्याशी नामांकन फार्म लेकर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें दाखिल करवाने में अभी रुचि नहीं दिखा रहे। शुक्रवार को भी अमावस्या के कारण नामांकन भरने दावेदारों का टोटा रहा। कहा जा रहा है अब नवरात्र से नामांकन में तेजी आएगी। नवरात्रि और तीज के अभिजीत मुहूर्त पर अधिकांश प्रत्याशी आवेदन दाखिल करेंगे। कोरोना महामारी के चलते इस बार नवरात्र में श्रद्धालुओं को करणी माता के दर्शन नहीं होंगे। संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए श्री करणी मंदिर निजी प्रन्यास ने मंदिर को 31 अक्टूबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। प्रन्यास अध्यक्ष गिरीश सिंह दक्षिण ने अनुसार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार करणी माता के ऑनलाइन दर्शन करवाने की व्यवस्था की गई है। नवरात्र के पहले दिन 17 अक्टूबर को मंदिर में सुबह 8 से 9:30 बजे तक घट स्थापना पुजारी करेंगे। इस दौरान मंदिर के मुख्य कपाट बंद रहेंगे। भारत विकास परिषद जोधपुर की सभी शाखाओं द्वारा आयोजित भारत को जानो प्रतियोगिता 25 अक्टूबर को ऑनलाइन करवाई जाएगी। अध्यक्ष डॉ. प्रभात माथुर और सचिव सुरेश चंद्र भूतड़ा ने बताया कि प्रथम चरण की ऑनलाइन भारत को जानो प्रतियोगिता गूगल के जरिए दोपहर 1 बजे रखी गई है। सेंट्रल जीएसटी की ओर से कर चोरी के मामले में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। सीजीएसटी आयुक्त जोधपुर आलोक गुप्ता के निर्देशन में पाली में बुलियन का व्यवसाय करने वाली एक फर्म पर कार्यवाही की गई, जिसमें प्रोपाइटर द्वारा बोगस फर्म बनाकर करोड़ों रुपए के फर्जी बिल जारी किए गए थे। जांच के दौरान प्रोपाइटर देव अडानिया ने प्रोपाइटर ने बोगस फर्म बनाकर जयपुर मुंबई की फर्मों को फर्जी बिल जारी करना स्वीकार किया। बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष व पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बयान पर शुक्रवार को अस्पतालों में चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर अपने कार्य का विरोध जताया। पावटा जिला अस्पताल के चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया। जोधपुर के मंडोर ब्लॉक की सभी आशा सहयोगिनियों ने स्थायी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही प्रदर्शन भी किया। आशा सहयोगिनियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार उन्हें भ्रमित कर आर्थिक शोषण कर रही है। विधानसभा चुनाव से पूर्व उन्हें स्थायी करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। विश्व निश्चेतना दिवस के उपलक्ष्य में रातानाड़ा पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वरिष्ठ निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर MC पंवार ने निश्चेतना विज्ञान के बारे में जानकारी दी।
डॉक्टर पवार ने बताया कि शल्य क्रिया के बिना आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की कल्पना असंभव है, इसी प्रकार निश्चेतना के बिना शल्य क्रिया अकल्पनीय है। रेलवे की ओर से त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जो पूर्णतः आरक्षित ट्रेनें होगी। रेलवे की ओर से वाराणसी के लिए जोधपुर वाराणसी स्पेशल ट्रेन रायकाबाग रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।